Hello, students. Welcome to your English class. Today we will read and understand uh, the section C of your unit five, and the name of the lesson is J, the Jewel of India. So uh, we will read that why this person J is known as the Jewel of India. The story begins with how many things can you think of that are associated with the name Tata? So there are so many things as you can see, Tata Group of Hospitals, Tata Tea. And uh, uh, Tata Group of Hotels, and so many things are there that are associated with the name Tata. Right. So, uh, now we will read that how J.R.D. Tata's contribution to modern India has played his role. So, let's begin with the lesson now. So, the aviator, which means, aviator means uh, the pilot. सो so, इन uh, 1930 अ टाइनी पुश मॉथ अ सिंगल इंजन ड्रोन्ड ओवर द एरिड एक्सपेंस ऑफ इराक एट अबाउट 90 माइल्स एन आर सो 1930 की बात है कि एक टाइनी पुश मॉत इज़ अ नेम ऑफ द प्लेन विद अ सिंगल इंजन जिसका एक सिंगल इंजन था वो इट वाज ड्रोन्ड ओवर मतलब जो ऊपर उड़ रहा था ओवर द एरिड एक्सपेंस ऑफ इराक एट अबाउट नाइन्टी माइल्स एन आर सो so, वो कहाँ पर उड़ रहा था एरिड मतलब सूखे एरिया के ऊपर इराक़ के सूखे एरिया के ऊपर वो उड़ रहा था बंजर जैसे कहते हैं एरिड मतलब बंजर एंड नाइन्टी माइल्स एन आर की स्पीड से वो उड़ रहा था द पायलट वॉज यंग मैन ऑफ ट्वेंटी सिक्स जो पायलट था वो यंग uh, मैन था छब्बीस साल का था

उसके डिस्टेंस मतलब जिस रास्ते पे उड़ रहा था उसकी राह पे क्या थे बहुत सारे बड़े बड़े ब्लूइश माउंटेन्स थे एंड ही प्रेस्ड फॉरवर्ड इन दैट लिटिल प्लेन टू रीच बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन तो उसने क्या किया उसने उस लिटिल uh, प्लेन के ऊपर जो है uh, मतलब अपना पूरा जोर लगाया एंड उसने क्या uh, uh, कहाँ पहुँच गया वो लास्ट ब्लू माउंटेन मतलब जो आखिरी माउंटेन था उसके परे वो जाना चाहता था उसकी बियॉन्ड वो जाना चाहता था दैट यंग मैन वॉज जहांगीर रतन जी टाटा दाता भाई टाटा तो वो कौन था यंग मैन जिसे आप कहते हो शॉर्ट फॉर्म में जे आर डी टाटा दी एपिटोम ऑफ अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर बेनिविलेंस एंड कंपैशन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा उदाहरण था एपिटोम मतलब दिग एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिट एड ऑफ एडवेंचर बेनिविलेंस एंड कंपैशन बेनिविलेंस मतलब काइंड uh, ठीक है दयालु कंपैशन मतलब बहुत ज्यादा मतलब पैशनेट uh, था अबाउट हिज करियर एडवेंचर मतलब बहुत ज्यादा uh, एडवेंचर करना उन्हें पसंद था ठीक है सो लेट्स मूव ऑन जी आर डी एज ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड फॉन्डली मतलब प्यार से लोग उन्हें क्या बोलते थे जे आर डी बोलते थे वॉज बॉर्न इन पेरिस इन नाइनटीन जीरो फोर उन्नीस सौ चार में वो पेरिस में पैदा हुए थे टू आर डी टाटा उनके फादर का नाम था आर डी टाटा एंड हिज मदर वॉज अ फ्रेंच वुमेन तो उनकी मदर फ्रेंच थी इनका नाम था सोनी सो एज एन एडोलिसेंट ही लव्ड फ्लाइंग तो जब वो अडल्ट थे अडोलीसेंट एज में जब वो थे तो उनको उड़ना काफ़ी पसंद था एंड ही हैड ग्रोन अप इन फ्रांस वॉचिंग द फेमस एविएटर लुइस ब्लेरिएट अर्ली फ्लाइट्स एंड हैड टेकन अ जॉय राइड इन एन एरोप्लेन एज अ फिफ्टीन ईयर ओल्ड तो जब वो एडोलोसेंट थे तो उनको क्या था उड़ना पसंद था और वो बड़े हुए थे किसे देखते हुए जो एक फेमस एविएटर थे एविएटर मैंने बताया मतलब होता है पायलट तो फेमस पायलट को देखते हुए बड़े हुए वो क्या नाम था उनका लुइस ब्रेलियट ब्रेलियट उनका नाम था तो लुइस ब्रेलियट को देखते हुए बड़े हुए एंड उनकी अर्ली फ्लाइट्स थी को देखकर और उन्होंने क्या किया था एक जॉय राइड भी ली थी कितने साल की उम्र में पंद्रह साल की उम्र में उन्होंने एक जॉय राइड भी ली थी ठीक है एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ अ लाइफ टाइम फैसिनेशन फॉर फ्लाइंग तो उनकी जो लाइफ उनकी जो जिंदगी की जो उनकी जिंदगी भर की जो फैसिनेशन थी उसकी ये एक सिर्फ शुरुआत थी जिन्होंने ये जॉय राइड ली थी इन नाइनटीन एट दी एज ऑफ ट्वेंटी फाइव साल की उम्र में जब वो नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में ये वर्ष ट्वेंटी फाइव जे आर डी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ग्रांटेड अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो जे आर डी जो थे पच्चीस साल की उम्र तो में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो कमर्शियल लाइसेंस है वो मिला था ठीक है सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड विच ही सेट जिसके लिए उनका कहना था कि नो अदर डॉक्यूमेंट हैज़ गिवन मी द ग्रेटर थ्रिल दैन दिस लिटिल ब्लू गोल्ड सर्टिफिकेट तो किसी और ऐसा डॉक्यूमेंट ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनको इतनी खुशी दे सकता है जितना इस ब्लू और गोल्ड कलर के सर्टिफिकेट तो उनको दी है इन नाइनटीन थर्टी टू ही स्टार्टेड एंड एयर मेल सर्विस कनेक्टिंग बॉम्बे अहमदाबाद एंड कराची तो 1932 में उन्होंने एक एयर मेल सर्विस शुरू की जो तीन सिटीज़ को कनेक्ट करती थी बॉम्बे अहमदाबाद एंड कराची जे आर डी वॉज बिगिनिंग टू सी हिज ड्रीम अनफोल्ड जे आर डी जो आपका शॉर्ट नेम है रतन जी टाटा का तो वो उनका एक आ, ये जो सब कुछ हो रहा था वो उनके एक ड्रीम की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी उनका जो ड्रीम था वो सच होने लग गया था नेक्स्ट इज इन 1932 टाटा एविएशन सर्विस द फोर्थ फोर रनर ऑफ एयर इंडिया टुक द स्काइज़ तो जो उनकी टाटा एविएशन सर्विस जो उनकी एक uh, उनकी जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1932 में क्या हुआ उन्होंने जो है टुक टू द स्काइज मतलब उनकी जो ये कंपनी थी ये काफ़ी ज़्यादा जो है तरक्की करने लगी द फर्स्ट फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन लिफ्टिड ऑफ फ्रॉम ड्रिग रोड इन कराची विद जे आर डी एट द कंट्रोल ऑफ अश मौत तो पुष मौत इज अ नेम ऑफ द प्लेन एज वी हैव रेड अर्लियर सो उस वो पहली फ्लाइट थी जो इंडिया से शुरू हुई थी इंडियन एवियशन लिफ्टिड ऑफ वो कहाँ से शुरू हुई थी uh, द्रिग रोड से शुरू हुई थी कराची के और उसके कंट्रोल किसका किसके हाथ में था पुष मौथ का कंट्रोल किसके हाथ में था जे आर डी डाटा के कंट्रोल में था एंड नेम ऑफ द प्लेन वॉज पुश मौत जे आर डी नर्चर्ड हिज एयर प्लेन आप नाइनटीन वन सेकेंड तो जे आर डी नर्चर्ड हिज़ एयरलाइन अप टू नाइनटीन फिफ्टी थ्री उनकी जो अपनी एयरलाइन जिसका नाम था टाटा एविएशन सर्विस उन्होंने उस एयरलाइन को नाइनटीन फिफ्टी थ्री तक जो है उसे आगे बढ़ाया एंड वैन द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू तो नाइनटीन फिफ्टी थ्री तक वो उनके कंट्रोल में थी और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने क्या किया उसको नेशनलाइज़ कर दिया सो so, नेहरू नेशनलाइज एयर इंडिया तो उन्होंने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दे इट वाज अ डिसीजन विच सड एंड उस डिसीजन से उनको दुख हुआ था कि उनकी जो एयरलाइन है वो अब नेशनलाइज हो गई है नेवरलेस फिर भी ही कॉन्टीड अ वेरी डेडिकेटेड चेयरमैन टू द कंपनी वो उन्होंने फिर भी एज अ चेयरमैन वो भी डेडिकेटेड चेयरमैन उन्होंने एज अ कंपनी कॉन्टिन्यू रखा एयरलाइन एयर इंडिया वॉज नेवर जस्ट अ जॉब फॉर जे आर के लिए वो सिर्फ एक जॉब नहीं थी इट वॉज़ अ लेबर ऑफ लव उनके लिए वो एक uh, उनका प्यार था उनका एक तरह से उनकी ज़िंदगी का प्यार था क्या जो उनकी एयर इंडिया थी ही पर्सनली सुपरवाइज एवरी आस्पेक्ट ऑफ एयरलाइन वो पर्सनली जो है सारे जो भी प्रॉब्लम्स uh, होती थी जो भी आस्पेक्ट्स uh, होते थे वो उनको खुद उसको देखते थे और जज मतलब uh, ठीक करने की कोशिश करते थे अंडर हिज स्टीअवर्टशिप एयर इंडिया बिकेम एन अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर उनकी स्ट्यूवर्डशिप मतलब उनके निगरानी में उनकी छत्र छाया में जो एयर इंडिया है वो क्या बनी थी एक अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर बनी थी कैरियर मतलब लाने ले जाने वाला कोई चीज सो हिज गाइडिंग प्रिंसिपल दैट इज वर्क एथिक उनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे उनके जो वर्क एथिक्स थे वर्क एथिक्स मतलब काम करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ठीक है वाज ऑलवेज एम एट परफेक्शन उनके जो वर्क एथिक्स का जो एम था वो क्या होता था हमेशा परफेक्शन मतलब हमेशा कोई भी चीज़ अगर करनी है तो वो आपको परफेक्शन के साथ करनी है फॉर ओनली देन विल यू अचीव एक्सीलेंस अगर तुम किसी भी काम को परफेक्शन के साथ करोगे तभी तुम एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हो जे आर डी बिलीव इन ट्रिफल्स मेक परफेक्शन बट परफेक्शन वॉज नॉट नो ट्रिपल जे आर डी बिलीव करते थे कि जो ट्रिफल्स हैं वही परफेक्शन बनाते हैं परफेक्शन कोई ट्रिफल नहीं क्रिएट करते मतलब ट्रिफल मतलब प्रॉब्लम्स कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही परफेक्शन की तरफ आपको लेके जाती हैं लेकिन कभी किसी भी परफेक्शन तक की तरफ जाना एक प्रॉब्लम नहीं होती ट्रिफल मतलब प्रॉब्लम्स तो जे आर डी बिलीव करते थे कि प्रॉब्लम्स आपको परफेक्शन तक ले जाती हैं लेकिन परफेक्शन जो है उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है सो so, वट ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू से इज कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द परफेक्शन नो मैटर हाउ प्रॉब्लम्स हाउ मच प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग राइट सो नेक्स्ट पार्ट है स्टोरी का द नेशन बिल्डर जे आर डी हैड अ डीप सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट उनका जो व्यक्तित्व था उनको अपने नेशनल नेशन, नेशन के लिए काफ़ी उनका गहरा प्यार था एंड ही वॉज ग्रीव्ड बाय द पॉवर्टी ही सॉ अराउंड हिम ग्रीव्ड मतलब उनको काफ़ी दुख होता था अपने आस पास पॉवर्टी देख कर, एंड ही कंक्लूडेड दट द कंट्रीज़ प्रोग्रेस ले इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन उनके अकॉर्डिंग जो कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो किस में है पॉपुलेशन कंट्रोल में कि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल की जाए तो कंट्री डेवेल्प हो सकती है एंड इन इंश्योरिंग इट्स पीपल वर एजुकेटड और ये भी इंश्योर किया जाए कि उसके जो लोग हैं किसी भी कंट्री अगर वो एजुकेटेड हैं तो भी वो कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है एंड ही fervently believed that India had a great intellectual talent. उनको भी वो believe करते थे बहुत ही दिल के घरानों से कि जो India है वो काफी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा great intellectual talent है. ठीक है. तो next is national building, nation building wasn't mere uh, हिटोरिक फॉर हिम उनके लिए नेशनल बिल्डिंग एक हिटॉक नहीं था ही प्रूवड हिज जेनुननेस बाय ट्रांसफरिंग हिज पर्सनल वेल्थ टू जे आर डी डाटा ट्रस्ट दैट ही सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी फोर तो उन्होंने इस जेनुइननेस को प्रूव किया कि उन हिटोरिक मतलब एक तरह से कहने के लिए ही वो एक नेशन बिल्डर नहीं थे उन्होंने इसको प्रूव किया अपनी सच्चाई को प्रूव किया उन्होंने कैसे प्रूव किया अपनी जो भी पर्सनल वेल्थ थी उन्होंने वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जे आर डी डाटा ट्रस्ट में जो नाइनटीन फोर्टी फोर में सेटअप किया था टू डिड एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूट ठीक है तो आ, एड तो ये जो 1944 में उन्होंने जो आर जा, डी ट्रस्ट में पैसे जो दा, दान में दिए थे उसका क्या मोटिव था कि वो एजुकेशनल और बाकी इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना चाहते थे अ फ्यू इयर्स लेटर कुछ सालों बाद ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ हिज शेयर इन वन ऑफ द टाटा कंपनीज उन्होंने उनकी अपनी टाटा कंपनीज का एक शेयर भी बेच दिया एंड एन अपार्टमेंट इन बॉम्बे अपना बॉम्बे का अपार्टमेंट भी बेच दिया एंड ही यूज दिस मनी टू एस्टेबलिश जे एंड थेलमा टाटा ट्रस्ट तो उन्होंने जो अपार्टमेंट बेचा था और अपने टाटा कंपनीज का शेयर बेचा था उसमें उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया एक उन्होंने इस्टेब्लिश किया जे आर डी एंड थेलमा टाटा ट्रस्ट उन्होंने एक और जे आर डी एंड थेलमा टाटा ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जिसका काम क्या था विच स्टिल वर्कस टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ इंडियंस डिसडवाटेज वुमेन तो ये डिसएडवानटेज वुमेन के लिए काम करता था और ये आज भी काम करता है अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड द नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये एक एक्जाम्पल्स हैं उनकी एक्सेलेंस का अपनी फील्ड में एंड वर द प्रोजेक्ट्स दैट वुड नॉट हैव कम टू फ्रूशन विदाउट जे आर डीज स्टेड फास्ट सपोर्ट फ्रूट फ्रूशन मतलब कि वो कभी भी फल फलते फूलते नहीं अगर उनको जे आर डी का जो है स्टेड फास्ट सपोर्ट ना मिलता तो ये इंस्टीट्यूट इतने समय तक काम नहीं कर पाते सो एज अ मैन जे आर डी कैसे थे सो एज ए इंडिविजुअल जे आर डी वॉज अ मॉडेस्ट एंडियरिंग एंड हैड अ फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर तो ठीक ठाक थे वो मॉडस्ट थे ठीक है सच्चे इंसान थे और uh, मेहनत करने वाले व्यक्ति थे और उनको थोड़ा उनका ठीक ठाक वो हंसी मजाक भी कर लेते थे बट ही कुड नेवर टेक काइंडली टू शो ऑफ पम्पोसिटी तो बट ही कुड नेवर टेक काइंडली टू शो ऑफ पम्पोसिटी एंड केयरलेसनेस एंड अ कैजुअल एटीट्यूड तो वो uh, बट वो कभी भी नेवर टेक काइंडली टू अ शो ऑफ पम्पोसिटी मतलब काइंडली मतलब कभी भी सहन नहीं करते थे पम्पोसिटी केयरलेसनेस और कैजुअल एटीट्यूड को पम्पोसिटी मतलब सेल्फिशनेस uh, या सेल्फ सेल्फ लव अगर हम बात करें या फिर आप कहो सेल्फिशनेस ठीक है तो, तो uh, वो पम्पोसिटी केयरलेसनेस और कैजुअल एटीट्यूड को सहन नहीं करते थे वैन अ फ्रेंड तो एक क्या एक बार क्या हुआ वैन अ फ्रेंड बिगेन अ लेटर टू जे आर डी तो उन्होंने जे को एक लेटर लिखा विद द सोल्यूटेशन सोल्यूटेशन क्या होता है जो हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर डियर फ्रेंड रिस्पेक्टेड मैडम तो उन्होंने लिखा था डियर जे तो उन्होंने जे uh, जो है उनका नाम जे ई एच था उन्होंने जे ए वाई लिखा था एंड ही रोड बैक तो फिर उन्होंने जो है जे आर डी डाटा ने जब उसको रिप्लाई किया लेटर का तो उन्होंने लिखा आई हैव फाउंड दैट जे इज़ अ नॉइजी चैटरिंग यूरोपियन बर्ड ऑफ ब्रिलियंट प्लमेज तो उन्होंने जो लेटर को लिखा दोबारा रिप्लाई किया उन्होंने लिखा कि मैंने सर्च किया मुझे मतलब पता लगा कि जे का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने वाला बातें करने वाला यूरोपियन बर्ड जिसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं ठीक है तो सुनहरे होते हैं फिगरेटिवली एंड इम्पोर्टनेंट चार्टर और सिम्पलेटन तो उन उन्होंने कहा कि मैंने जाना कि जो जो जे है उसका मतलब होता है एक नॉइजी चार्टरिंग बर्ड तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस प्लीज़ नोट दैट माई नेम इज़ पेल्ट जे ई एच इन एब्रीविएशन ऑफ जहांगीर एनी रिजेबलेंस बिटवीन मी एंड दर्ड इज़ प्योरली कॉन्सीडेंटल तो उन्होंने लिखा कि ये जो एब्रीविएशन है मेरे नाम की जहांगीर उसमें आप मेरा नाम जे लिखिए प्लीज़ क्योंकि और उस वर्ड में और मुझ में कोई भी अगर समानताएँ हैं तो वो सिर्फ़ एक कोइंसिडेंस uh, है कोई भी सिमिलैरिटीज़ मेरे उस वर्ड में नहीं है तो उन्होंने एज एन ह्यूमर उसको रिप्लाई किया उस लेटर uh, को जो उनके फ्रेंड ने उनको भेजा था देन जे आर डी वॉज अ शाई एंड रेटिसेंट मैन तो जे आर डी जो थे वो बहुत ही शाई और रेटिसेंट मतलब होता है कि जो अपनी फीलिंग्स को uh, बहुत ईजीली जाहिर नहीं कर पाते जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखते हैं सो ही वॉज वो बहुत ही शायद uh, थे शर्मीले थे और रेटिसेंट थे एंड ही वॉज़ नेवर इंटरेस्टेड इन रिसीविंग ऑनर्स बट वॉज़ शॉवर्ड विद दैम मतलब उनको ऑनर्स या बहुत ही सम्मान जो है लेना पसंद नहीं था पर उनके ऊपर सम्मान की बारिश होती थी विच एम्यूज हिम जो उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित uh, कर देता था वेन ही वॉज़ टोल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उन्हें बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उन्हें वॉज थिंकिंग ऑफ गिविंग हिम द भारत रत्न हिज द कंट्री इज़ हाइएस्ट सिविलन अवार्ड जब उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भारत रत्न देने की बात करिए जो कि कंट्री का हाइस्ट सिविलन अवार्ड है आप सभी जानते हैं ही रिस्पॉन्डेड विद मॉडेस्टी एंड विट वाई मी तो बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से उन्होंने कहा कि मैं ही क्यों मैं तो डिजर्व नहीं करता आई डोंट डिजर्व इट द भारत रत्न इज़ यूजली गिवन टू पीपल हु आर डेड और इज गिविन टू पॉलिटिशियंस आई एम नॉट प्रिपेयर टू अबलाइज टू द गवर्मेंट ऑन द फॉर्मर एंड आई एम नॉट अ लेटर लेटर सो मतलब उनके उनके अकॉर्डिंग जो ये भारत रत्न होता है वो या तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है या फिर पॉलिटिशियंस को दिया जाता है और मैं अभी तक जिंदा हूँ सो so, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ जे आर डी हैड अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद पीपल ऑफ़ ऑल एजेस उनकी एक आ, अद्भुत एक तरीके से उनकी जो क्वालिटी थी कि वो बहुत तरह के लोगों के साथ और बहुत सारी उम्र के लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड उन्होंने बना बना सकते थे एंड द बैकग्राउंड्स किसी भी तरह के बैकग्राउंड या एज के लोगों के साथ उनका बॉन्ड अच्छा बन जाता था एंड एज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल हु फॉलोड हिज ड्रीम्स और एक तरह से इस तरह के व्यक्तित्व के के धनी थे जो एक अपने सपनों को जिन्होंने फॉलो किया ही वॉज एन इंस्पिरेशन टू मैनी वो बहुत से लोगों की प्रेरणा थे प्रेरणा स्रोत थे तो कल्पना चावला इज़ अ लेडी द द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन औरिजिन इन स्पेस इंडियन औरिजन की पहली ऐसी महिला थी जो स्पेस में उन्होंने वो गई थी साइटेड उन्होंने कहा कि जे आर डी एंड इज़ पॉइनरिंग एयर मेल फ्लाइट हैज़ हर इंस्पिरेशन फॉर टेकिंग अप एरोनॉटिक्स तो जे आर डी की जो पॉइनरिंग मतलब खोज करना या शुरुआत करना किसी भी चीज़ की उन्होंने एयर मेल शुरू की थी हमने पढ़ा था पहले कि उन्होंने एयर मेल शुरू की थी तीन सिटीज़ में तो उनकी जो ये फ़्लाइट थी उससे जो है कल्पना चावला काफ़ी जो है इंस्पिरेशन मिली कि वो एरोनॉटिक्स में जाएं टू सुधा मूर्ति तो सुधा मूर्ति एक अलग व्यक्ति महिला थी को फाउंडर ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस जो कि को फाउंडर हैं टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस की तो ही वॉज अ मॉडल ऑफ़ ह्यूमिलिटी उनके लिए वो मॉडल ऑफ ह्यूमिलिटी था ओवर्ड वाज़ वॉज टू सिग्निफिकेंट और स्मॉल फॉर हिम टू एक्नोलॉज कोई भी इतना अ, बड़ा नहीं था उनके लिए ना ही बहुत ही छोटा था कि वो उनको एक्नॉलेज ना कर सके वन ऑफ़ द जे आर डीज़ कलीग्स रिकाउंट्स दैट जे आर डी पर्सनली टॉट ऑफिस बॉय हाउ टू यूज़ वैक्यूम क्लीनर तो uh, किसी एक कलीग uh, ने कहा कि जो जे आर डी जो थे उनके लिए कोई भी व्यक्ति बहुत ही छोटा नहीं था उनसे बात करने के लिए या उनसे आ, उनकी अटेंशन पाने के लिए तो उन्होंने क्या किया एक दिन क्या किया उन्होंने कहा कि जो उनके कलीग ने बताया कि जे आर डी जो है उन्होंने पर्सनली खुद जाकर एक ऑफिस बॉय को बताया कि कैसे वो वैक्यूम क्लीनर को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं सो ही टचड द लाइव्स ऑफ काउंटलेस अदर्स उन्होंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को छुआ और उनको बेहतर बनाया चाहे वो रिच थे पुअर थे मैनेजर थे या वर्कर थे अमीर थे गरीब थे कोई मैनेजर थे या कोई लोकला

अ कंटेंडेड हैप्पी मैन नोइंग हीड बॉट गुड चीयर एंड हैप्पीनेस टू मैनी अस अ ट्रू सन ऑफ इंडिया तो कंटेंडेड थे हैप्पी मैन थे जानते थे कि उन्होंने एक बहुत ही खुशियाँ लेके आए हैं हैप्पीनेस लेके आए हैं एंड ही टू द कंट्री एंड ही इज़ द ट्रू सन वो एक देश के सच्चे पुत्र थे एंड ही विद हिज डेथ अपनी मृत्यु के साथ अ नोबल बिट ऑफ इंडिया एंड इंडियनस वॉज गोन फॉर एवर तो उनकी डेथ के साथ जो है एक नोबल बिट ऑफ इंडिया मतलब एक इंडिया के एक व्यक्ति जो है बहुत ही माने हुए व्यक्ति और इंडियननेस जो है वो हमेशा के लिए उनके साथ चली गई सो इन दिस स्टोरी वी रेड अबाउट जे आर टी टाटा इन हिज लाइफ लेट्स रीड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स दैट दैट केम इन द स्टोरी है फटाफट से कर लेंगे ड्रोन मैंने बताया मेड अ कंटिन्यूस लो नॉइस मतलब उड़ना आसमान में विद लो नॉइस इन दिस लेसन इसका मतलब यही है एपिटोम का मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग राइट फैसिनेशन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर रनर अ थिंग ऑफ अ पर्सन दैट केम बिफोर इन्फ्लुएंस समथिंग एल्स दैट इज सिमिलर ठीक है वर्क एथिक मतलब एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क और जो भी आपके रूल्स हैं काम करने के ट्रिफल्स मतलब स्मॉल थिंग्स दैट आर नॉट वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट ठीक है फरवेंटली वेरी सिंसियरली हिस्टोरिक मतलब लाउड एंड एम्टी टॉक फ्रूशन सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ अ प्लान इनको आप फ्रूट से याद करते हो आपके जो कर्मों के फ्रूट्स होते हैं फल जो होते हैं पम्पोसिटी शोइंग यूर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर मतलब जो भी है सेल्फलेस जो सेल्फिशनेस uh, जो होती है इम्पॉर्टेंट रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट मतलब रूड होना सो दीज आर दर्ड्स दैट यू विल राइट इन अटबबुक ऑल ऑफ यू विल राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन दियर नोट बुक इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिसकस दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीडियो